हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद लोकेश। जैसा कि आप सबको उम्मीद थी गाइस, एक शानदार मुकाबला हमें देखने को मिला, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। तो गाइस, आज जो वीडियो है ये हम इस कल के जो मैच है उसके ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। मैच कैसा हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। तो उससे पहले मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको हमेशा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज देखने को मिलेगी। इस मैच में हम मैच के बाद में एनालिसिस करते रहेंगे, कहाँ गलती हुई टीमों की या फिर क्या करना चाहिए था। तो प्लीज 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 गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए गाइज, हम बात करते हैं कल के मैच की, चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियंस। तो सबसे पहले आई टॉस की बारी और टॉस जीता MS धोनी ने, और एक क्रूशल टॉस था गाइज, बिकॉज धोनी को पता था कि लास्ट में ड्यू आने वाली है। तो धोनी ने सबसे पहले किया बॉलिंग का फैसला और वो बॉलिंग का फैसला अच्छा साबित हुआ। चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर ने अच्छे से उस फैसले को निभाया। तो सबसे पहले थोड़े बहुत शॉकिंग चेंजेस थे चेन्नई सुपर किंग में, बिकॉज नो ब्राहो नो ताहिर। सबको लग रहा था कि ब्राहो और ताहिर खेलेंगे, लेकिन उनके जगह पे खेले सैम करन और लुंगे एनगिडी। तो गाइज, ये थे पहले शॉकिंग चेंजेस धोनी द्वारा। उसके बाद में जो मुंबई इंडियंस स्टार्ट करने आए, तो उनके जो दो ओपनर्स थे रोहित शर्मा और डिकॉक, तो दोनों ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, 40-45 रन बनाए और अच्छे गति से बनाए रन। उसके बाद में रोहित शर्मा आउट हो गए और डिकॉक अच्छे लग रहे थे, लेकिन डिकॉक भी 33 के स्कोर पे आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, सबको थोड़ी थोड़ी स्टार्ट मिले, लेकिन उस स्टार्ट को कोई भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया और मुंबई इंडियंस 20 ओवर में केवल 162 रन ही बना पाई। और चेन्नई सुपर किंग ने जो उनकी स्ट्रेंथ थी, उनकी स्ट्रेंथ इस टूर्नामेंट में बॉलिंग है और उन्होंने ये करके दिखाया। नो ताहिर नो ब्राहो, जो दो मैच विनर होने के बावजूद, न होने के बावजूद भी चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस जैसी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 162 पे रोक दिया और 163 रन जीतने के लिए चाहिए थे गाइज। लेकिन मुंबई इंडियंस, आप सबको पता है, एक अच्छी टीम है, उनके पास बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, उनके पास बैटिंग लाइनअप अच्छी है। तो उधर से आते स्टार्ट करते हैं, दो नए ओपनर हमको देखने को मिले चेन्नई की टीम की, उधर से नया ओपनिंग पार्टनरशिप हमें देखने को मिला, मुरली विजय और शेन वॉटसन गाइज। तो ये दो जो है हमें एक नया ओपनिंग देखने को मिला इस साल चेन्नई के लिए, बट दोनों के दोनों अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप रहे। शेन वॉटसन भी जल्दी आउट हो गए और मुरली विजय भी। चेन्नई एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच कहीं हार ना जाए, 6 रन पे 2 विकेट चले गए थे। उसके बाद में आते हैं अंबाटी रायडू, और हाँ, BCCI के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है, सिलेक्टर को बता दिया कि रायडू ने अभी भी मेरे में उतना ही कॉन्फिडेंस है, उतनी मेरी बैटिंग एबिलिटी अच्छी है। जो पारी अंबाटी रायडू ने कल खेली है वो बहुत ही अच्छी पारी खेली थी अंबाटी रायडू ने, 70 के ऊपर रन्स बनाए और ऐसे क्रूशल समय में बनाए जहां पे टीम के 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे, पावर प्ले में रन आ नहीं रहे थे। मुंबई इंडियंस से पहले 6 ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग की, पैटिंसन बोल्ड बहुत ही अच्छे स्विंग करा रहे थे बॉल को, लेकिन उसके बाद में फैफ डुप्लेसी और रायडू, इन दोनों ने एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई कि वहीं पे मुंबई इंडियंस को आधा मैच हरा दिया। 100 के ऊपर पार्टनरशिप की अंबाटी रायडू और फैफ डुप्लेसी ने, तो दोनों ने काफी अच्छी पारी खेली। अंबाटी रायडू लास्ट में आउट हो गए 71 रन करके, बट फैफ डुप्लेसी अंत तक खड़े रहे, एक साइड संभाली रखी और डुप्लेसी ने भी 50 बनाई। लास्ट में आते आते धोनी ने कुछ क्रिटिकल चेंजेस किए, बिकॉज कुणाल पांड्या का एक ओवर बचा था, तो उन्होंने कुणाल पांड्या के उस ओवर को खेलने के लिए जडेजा को प्रमोट किया। जडेजा ने आते ही 2 बाउंड्रीज लगाई, यानी कि छोटे छोटे नॉक्स गाइस इस T20 के लीग में जो है बहुत बड़ा फर्क डालते हैं, और वही हुआ एग्जैक्टली। जडेजा के बाद आते ऐसा लगा सब लोगों को कि अभी धोनी आएंगे, लेकिन अभी भी धोनी नहीं आते। धोनी ने भेजा सैम करन को, इंग्लैंड के सुपरस्टार सैम करन। सैम करन आते हैं, सैम करन कुणाल पांड्या को एक छक्का उधर एक चौका, यानी कि 10 रन मार दिए। उसके बाद में बुमराह, वर्ल्ड का सुपर अच्छा बॉलर, वर्ल्ड का जो सुपर फास्ट बॉलर है, उसको भी पहली बॉल में आते हैं और 6 रन मार देते हैं। तो गाइज, सैम करन की जो नॉक थी वो मेरे हिसाब से बहुत ही अंडर प्रेशर एक बहुत ही अच्छी मैच थी, बिकॉज सैम करन के पास उतना ज्यादा आईपीएल का अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पारी कल खेली है उससे चेन्नई सुपर किंग को ये तो हो गया कि एक स्लॉगर हमारे पास और नीचे है, वो एक अच्छा ऑलराउंडर, बॉलिंग भी अच्छी की। उन्होंने जो पारी खेली है गाइज वो बहुत ही क्रुशल पारी थी उस मैच की उसमें से, और लास्ट में मुंबई को कुछ रन ज्यादा, चेन्नई को ज्यादा रन चाहिए नहीं थे, और एक बहुत ही अच्छी जीत चेन्नई को मिल गई। तो इस बार जो है पीला पड़ गया नीले पे भारी।
तो गाइज ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की बात, और चेन्नई सुपर किंग के लिए बहुत ही अच्छे है बिकॉज उनके पास जो उनके की प्लेयर है रैना नहीं है, ब्राहो नहीं है, रैना नहीं है, हरभजन नहीं है, ब्राहो नहीं खेले, तो ये जो सिचुएशन होती है, ताहिर भी नहीं खेले, इन सब बड़े मैच विनर के अलावा भी चेन्नई सुपर किंग ने जीत के बता दिया है कि हम अभी भी किसी से कम नहीं है और हम अभी भी प्लेऑफ्स में जा सकते हैं और इस साल भी ट्रॉफी ले सकते हैं। तो गाइज ये थी चेन्नई सुपर किंग की बात, और मुंबई इंडियंस खासी डिसअपॉइंट में होगी बिकॉज उनको पता है, सब लोग बोलते हैं कि मुंबई पहले मैचेस हारते हैं बाद में क्वालिफाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता गाइज, सब चाहते हैं कि टूर्नामेंट के जो स्टार्ट है वो अच्छी तरह से करे, लेकिन बिकॉज ये दुबई में मैचेस है, ये हमारे इधर नहीं है, इंडिया में नहीं है, तो सब लोग चाहेंगे कि पहले जो मैचेस है, पहले 6-7 मैचेस में से हम ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीते और अपनी पोजिशन अच्छी रखे। तो गाइज मुंबई इंडियंस को डिसअपॉइंट होने की एक ही वजह है कि उनका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो गया, अच्छे अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद, हार्दिक पांड्या, पोलार्ड, कुणाल पांड्या, जो मिडिल ऑर्डर है वो उनका वीक हो गया, और सौरभ तिवारी की गाइज हमने बात नहीं की, तो सॉरी, सौरभ तिवारी ने मुंबई इंडियंस की तौर से पहले ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाए, 44 रन बनाए सौरभ तिवारी ने, और एक शॉकिंग सा था, सबको लग रहा था ईशान किशन खेलेंगे, लेकिन खेले सौरभ तिवारी, और सौरभ तिवारी ने भी अच्छी बैटिंग की और मुंबई का जो मिडिल ऑर्डर है उसको थोड़ा बहुत संभाला रोहित और डिकॉक जाने के बाद। तो गाइज तो सब अच्छा हो रहा था, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए और जो चेन्नई सुपर किंग के लिए राइडू से भी ज्यादा जो अच्छा इस मैच में हुआ वो है डुप्लेसी। डुप्लेसी ने हार्दिक पांड्या का और सौरभ तिवारी का दो ब्रिलियंट कैचेस पकड़े ऑन द रोप। ये है धोनी की टैक्टिक्स गाइज, कि धोनी ने ऐसे जगह पे डुप्लेसी को सेट किया कि उनको पता है ये अच्छा फील्डर है हमारे पास, और डुप्लेसी ने दो शानदार कैच पकड़ के मैच को पूरी तरह से पलटा दिया। तो गाइज ये थी चेन्नई वर्सेस मुंबई मैच की, कल जो हुआ वो सबने अब सबको बता दिया, और गाइज सबको पता है कि चेन्नई इस बार भी तैयार है, तो जरा बच के रहिए गाइज। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना, और गाइज प्लीज शेयर कर दिया करो, तब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, तब तक वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आपके लिए हम हर एक मैच होने के बाद आपके लिए अच्छा सा मैच एनालिसिस लेके आएंगे। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।